दो धमाकों से दहला चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, एक की मौत, 14 घायल। बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस को बनाया गया निशाना, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर रुकने के 10 मिनट बाद हुआ धमाका। गुवाहाटी एक्सप्रेस में सुबह 7:15 पर हुआ धमाका, S4 और S5 कोच में हुआ था ब्लास्ट, बर्थ के नीचे विस्फोटक छुपाकर रखने का जताया संदेह। पुलिस ने उसी ट्रेन से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, ट्रेन में छुपकर बैठा था संदिग्ध, पुलिस कर रही है पूछताछ, आतंकी हमले से नहीं है इनकार। धमाकों में आईईडी के इस्तेमाल किए जाने का शक, तमिलनाडु सरकार ने एसआईटी और सीबीसीआईडी को सौंपी मामले की जांच, एनएसजी और एनआईए की टीम भी मौके के लिए रवाना। प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, चेन्नई में 0442537398 पर फोन करके यात्रियों के बारे में ली जा सकती है जानकारी। बैंगलोर में भी खोली गई दो हेल्पलाइन नंबर, पहला है 0802876288 और दूसरा है 0802235640 पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। पुलिस को चेन्नई रेलवे स्टेशन से एक और पाइप बम मिला है, पुलिस पूरे इलाके की कर रही है सघन जांच। फॉरेंसिक टीम ने भी शुरू की घटना की जांच, घटनास्थल से इकट्ठा किए सैंपल। चेन्नई एयरपोर्ट से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, असम का रहने वाला है शख्स, कार पार्किंग के पास घूम रहा था शख्स, उसी ट्रेन पर था सवार, लेकिन चेन्नई रेलवे स्टेशन से उतरकर वो शख्स फ्लाइट से गुवाहाटी जाना चाहता था। रेल मंत्रालय ने किए मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिवार वालों को मिलेंगे 1,00,000 रुपए, गंभीर घायलों को 25,000 और मामूली घायलों को 5,000 की मदद। बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस को बैंगलोर के लिए किया गया रवाना, ब्लास्ट के बाद पूरी ट्रेन की गई जांच। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस दर्ज, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। चुनाव आयोग के आदेश पर क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया मामला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत केस। मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले चैनलों के खिलाफ भी शिकायत, पुलिस करेगी मामले की जांच। मोदी के खिलाफ एफआईआर का बीजेपी ने किया विरोध, अरुण जेटली ने वैधता पर उठाए सवाल। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता मीनाक्षी लेखी ने किया बचाव, पहले से नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान। रैली के दौरान एफआईआर दर्ज होने पर बोले मोदी, कहा मेरे खिलाफ कभी गलत पार्किंग का भी केस नहीं हुआ है दर्ज। मेरी पूरी उम्र में मेरे पर आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है। रॉन्ग स्काई स्कूटर चलाने का भी कभी केस नहीं हुआ है, रॉन्ग पार्किंग करने का भी केस नहीं हुआ है। मुझे अभी अभी जब मैं यहाँ लैंड किया तो मुझे चला, पता चला कि मेरे खिलाफ गुजरात में एफआईआर रजिस्टर हुई है। नरेंद्र मोदी ने कहा, हताशा में है कांग्रेस, जनता दे चुकी है बीजेपी को बहुमत। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आंध्रा में तिरुपति मंदिर में पूजा कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की, चंद्रबाबू, वेंकैया नायडू और प्रकाश जावड़ेकर भी थे साथ। दिनभर में आंध्र में 5 रैलियां करेंगे मोदी, मदनापल्ली, नेल्लोर, गुंटूर, नरसापुर और विशाखापट्टनम में मोदी की रैलियां। हिमाचल प्रदेश में रैलियां करेंगे राहुल गांधी, बिलासपुर और सोलन में होंगी कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैली। आज भी अमेठी में ही रहेंगी प्रियंका गांधी, भाई राहुल के प्रचार के लिए तिलोई विधानसभा में करेंगी प्रचार।
7 मई को अमेठी में डाले जाने हैं वोट, वोटिंग तक अमेठी में राहुल के प्रचार की कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी। नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी का नया प्रहार, ये दिल मांगे मोर वाले बयान पर किया कटाक्ष, कहा मांगते मांगते थक ही नहीं रहे मोदी। अमेठी में मोर्चा संभाल रही प्रियंका वाड्रा ने लोगों से कहा, हमारा आपका तो पारिवारिक रिश्ता है, मैं आपसे वोट क्या मांगू। तो आपने अपने आप अनुभव किया है कि कुछ बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, किसी ने कुछ आपको दिखाया है कैसे करते हैं ना? तो हमेशा ऐसी तरह जागरूक रहिए, मजबूत रहिए, लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में राहुल गांधी की रैली, विकास का वादा। अनंतपुर में राहुल के काफिले की जामर हादसे की शिकार, ट्रेन से टक्कर। नोएडा के असगरपुर गांव में खनन माफियाओं का पुलिस पर जानलेवा हमला, पथराव के साथ की ताबड़तोड़ फायरिंग। बालू के अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची थी नोएडा सेक्टर 39 थाने की पुलिस, उसी वक्त हुआ पुलिस पर हमला। अठारह लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज, दो ट्रैक्टर और चार ट्रॉली जब्त, लेकिन माफिया फरार। गाजियाबाद के डीपीएसजी स्कूल का डायरेक्टर गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश के बावजूद फीस बढ़ोतरी वापस ना लेने पर हुई गिरफ्तारी। डायरेक्टर के खिलाफ रंगदारी मांगने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, अभिभावक संघ के आंदोलन के बाद हुई कार्रवाई। दिल्ली के तुगलकाबाद के एक घर में बरामद हुई एक लड़की की लाश, पड़ोस के लड़के के साथ गायब हुई थी लड़की। लड़के पर 24 साल की बलजीत कौर को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप, लड़के की पहचान के बाद घर से बरामद की गई लड़की की लाश। लड़की को बहला फुसला कर अगवा करने और हत्या करने के मामले में आरोपी लड़का गिरफ्तार, 23 अप्रैल को घर से गायब हुई थी बलजीत। पश्चिमी त्रिपुरा के मंडवाई में भयंकर चक्रवात, सैकड़ों घर तबाह, करीब 1500 लोग हुए प्रभावित। मंडवाई ब्लॉक के 5 गांवों में हुई सबसे ज्यादा तबाही, जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, राहत और बचाव कार्य जारी। आईपीएल 7 में मुंबई इंडियंस की लगातार 5वीं हार, पोलार्ड की 78 रनों की आतिशी पारी के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद से 15 रन से हारी टीम। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को दी थी 173 रनों की चुनौती, हैदराबाद से अंबाटी रायडू ने 27 गेंदों पर बनाए 35 रन। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा फिर रहे फ्लॉप, सिर्फ 1 रन बना पाए रोहित। सनराइजर्स से डेविड वार्नर ने खेली आतिशी पारी, 51 गेंदों में 4 छक्के के साथ बनाए 65 रन। सनराइजर्स के कप्तान शिखर धवन का फ्लॉप शो जारी, 6 गेंद पर बनाए 6 रन।